जय चंदे फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है एक ये फोम का टुकड़ा, और इसे आप जितना बड़ा पाउच बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर में है ये, तो इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से फोर फोल्ड करूँगी। और हम कोई पेन या पेंसिल लेंगे, उसकी सहायता से हम यहाँ पर शेप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर शेप बनाएंगे पेन से, और इसको इस तरह से बनाने के बाद में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको दो दो हिस्सों में कटिंग करूँगी। देखिए इस तरह से पहले ये दो पीस को कट कर लेती हूँ यहाँ से, और अब इसके बाद में ये पीछे की साइड वाले और ऊपर से इस तरह से ये डिज़ाइन में पूरा कट कर लेते हैं। और फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो उसको भी कट कर लेते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारे दोनों पीस हैं जो एक ही शेप में होने चाहिए। और ये कॉइन पाउच है जो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, क्योंकि हमारे कॉइन जो हैं पर्स में इधर उधर जो पड़े रहते हैं, तो हम उनको इस तरह से पाउच में रख के और पर्स में रख सकते हैं उस पाउच को। तो देखिए यहाँ पर अब फैब्रिक कट कर लेती हूँ मैं। तो इसी तरह से इनके बराबर मैं चार पीस कट करूँगी, दो लाइनिंग के तौर पर और दो बाहर के लिए। तो इसे इसी फैब्रिक से लाइनिंग और बाहर वाला दोनों पीस मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे ये चारों पीस, और इसकी शेप हम जो है बाद में देंगे। तो यहाँ पर एक कट हो चुके हैं, और हम इनको इस तरह से लगाएंगे एक के ऊपर एक रख के, और फॉर्म को हम बीच में रखेंगे, और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं इसके ऊपर जो सिलाई लगा रही हूँ वो इस तरह से है कि जो लाइनिंग में पूरी पूरी आती हैं उस तरह से कई सिलाई लगाऊंगी मैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सारी सिलाई लगा लूँगी और वो मैंने साइड में रख दिया। फ्रेंड्स अब देखिए ये दूसरा वाला हिस्सा है फॉर्म का, इसको हम यहाँ पर कट करेंगे चैन लगाने के लिए, जिप के लिए। तो इसको इस तरह से हम थोड़ा तिरछा कट करेंगे। आप देखिएगा बनके तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। और इसको यहाँ पर जो हम चेन लगाएंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको थोड़ा और कट कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर अगर हम चेन लगाएंगे तो एक हिस्सा बड़ा हो जाएगा और दूसरा छोटा, तो इसलिए बराबर करने के लिए हम यहाँ पर बीच में से कट कर रहे हैं। और अब हमने जो ये पीस कट किए हैं फैब्रिक के उसमें हम इसको इस तरह से लगाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा रख कर, और इस तरह से। तो देखिए जहाँ से हमारा बीच का जहाँ पर चेन लगेगी वहाँ से मैंने इसको बिल्कुल अंदर कर लिया है, ताकि हमारी चेन लगाने में फिनिशिंग आ जाए। और इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पर जो सिलाई लगा रही हूँ, तो वो जो हमारा फोम है उसका हिस्सा तो मोटा होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर पता चल जाता है हमको कि कपड़े के ऊपर हाथ रख कर कि यहाँ पर फोम है, और उसके किनारे में हम सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दी है, और ये दूसरा वाला हिस्सा है, इसको भी हम यहाँ पर सिलेंगे। तो इसको भी उसी तरह से हम यहाँ पर सिलेंगे कपड़े को थोड़ा प्रेस करते हुए हाथ से, और बिल्कुल इसमें सलवट नहीं पड़नी चाहिए कोई भी, वरना लुक अच्छा नहीं आएगा। और इस तरह से इसकी भी किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। आप चाहे तो इसमें भी, जैसे मैंने आपको साइड में रखा हुआ दिख रहा है वो पैटर्न पीछे वाला, तो आप इस तरह से इसमें भी लगा सकते हैं सिलाई अगर आप चाहें तो, आपकी मर्जी है। बट मैंने आगे वाले पोर्शन में नहीं लगाई थी, सिर्फ पीछे वाले में ही मैंने ये सिलाई लगाई है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये भी सिल चुका है यहाँ पर। और अब हमने यहाँ पर जो चेन दिखाई थी उस चेन को हमने लगा लिया है, और ये हमने उल्टी साइड से इसमें सिलाई भी लगा दी है। और यहाँ पर देखिए शेप आ गई है हमारी हार्ट की, और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा हैंग करने के लिए लगाई है ये देखिए।
और अब मैं इसको सीधा करूँगी। तो देखिए किस तरह से ये एक मैंगो शेप लग रहा है, हार्ट शेप भी लग रहा है और बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका। और अब आप इसमें कोइन रख सकते हैं और ये हैंगिंग के लिए आप इसको लटका सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोइन डालेंगे हम, इसमें कोइन डालेंगे और इस तरह से आप कितना भी कोइन डाल सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि ये कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें कोइन रख सकते हैं और अपने पर्स में रख सकते हैं हम, और बच्चों के लिए भी इस तरह से पाउच बना सकते हैं।